नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने देखा कि एवरेज निकालने में जो व्यक्तिगत श्रेणी में दो मेथड थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, हम इसकी बात कर चुके हैं। और इसमें फॉर्मूलों की बात हम कर चुके हैं कि सिग्मा एक्स अपॉन एन और इसके अंदर सिग्मा ए प्लस माइनस सिग्मा एफ सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ये बात हम कर चुके हैं। इसी तरह से अब हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे और उसके अंदर इसके भी दो मेथड हैं और उन दो मेथड के क्या क्या फॉर्मूले हैं उसकी बात करते हैं। देखिए इसके अंदर भी दो मेथड से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको नाम दिया है डायरेक्ट और एक को इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर। देखिए डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि मान लो कि कुछ एक्स हैं और वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, यानी कितनी बार 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 रिपीट हुए हैं, उसको हमने एफ से डिनोट किया। सपोज करते हैं कि 6 मार्क्स जो हैं 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, जैसा कि इस श्रेणी के अंदर था। जैसे कि मैं लिखूं रोल नंबर 1 2 3 4, मार्क्स कितने आए 6 6 6 6, हो सकता है कि ये चौथे रोल नंबर के हों, ये आठवां और ये दसवां हों। तो जैसे कि अभी हमने एक बनाई थी सीरीज उस तरह से, तो हमने इस तरह से एक सीरीज और बना रहे हैं जिसको हम खंडित श्रेणी बोलते हैं। फिर एक मार्क्स हैं, इसको सपोज करते हैं अपन 4 मार्क्स लिखते हैं, 4 मार्क्स 4 जनों के हैं, फिर 6 मार्क्स 3 जनों के हैं, 7 मार्क्स 5 जनों के हैं, 8 मार्क्स 3 जनों के हैं और 9 मार्क्स 2 जनों के हैं, यानी 1 2 3 4 5। और ये टोटल अगर करें कितने स्टूडेंट हो गए, 7 और 5 12 12 और 3 15 15 और 2 17, और एक और ले लेते हैं अपन, अपन इसको इस तरह से कर लेते हैं। मतलब पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 20, यानी 4 और 3 7 और 5 12 और 3 15 15 और 5 20, यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एन या सिग्मा एफ एक ही बात है, यानी कितनी बार रिपीट हुआ या नंबर ऑफ एन कितने हैं, यानी नंबर्स कितने हैं वो इतने हैं, तो हम इसको सिग्मा एफ या एन एक ही बात होती है जिसको हमने डिनोट किया। अब हमारे पास एक मेथड है डायरेक्ट मेथड। देखिए जिस तरह से कि फॉर्मूला बना है सिग्मा एक्स अपॉन एन डायरेक्ट मेथड में, इसी तरह से इसमें भी एक मेथड फॉर्मूला बन जाता है और वो फॉर्मूला बनता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यानी कि अब कुछ नहीं करना है, यानी कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, उसका टोटल करना है और उसे एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 यानी कि सिग्मा एफ, यानी कि इसको एन भी बोल सकता हूं और सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं, से डिनोट करना है। तो एक डायरेक्ट मेथड का एक ये तरीका है। तो आइए करते हैं हम इसको। तो हमने एक क्या किया, एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन किया, यानी कि 4 चौक 16, 6 3 18, 7 5 35, 8 3 24, 9 3 27, 10 2 20। अब हमें इस फॉर्मूले का मतलब सॉरी ये जो हमने गुणनफल किया, जो प्रोडक्ट आया हमारे पास, इसका हमें टोटल करना है। तो 8 6 14 और 5 19 और 4 23 और 7 30 4 5 8 10 14। तो इस तरह से हमने बताया कि सिग्मा एफ एक्स कितना आया हमारे पास 140। अब इसको फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। तो देखिए समांतर माध्य कितना आएगा, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स 140 और सिग्मा एफ या एन कितना है 20। तो हम इसको जब सरल करेंगे तो हम कितना बताएंगे इसके अंदर 60, यानी कि 2 टेबल में 47 टाइम जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कितने मार्क्स हैं, 7 मार्क्स हैं, ठीक है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि डायरेक्ट मेथड का फार्मूला
उसी तरह से है जो कि एक डिस्क्रीट सीरीज में है सिग्मा एक्स अपॉन एन, बस यहाँ पर एक एफ और इंक्लूड हो गया। और ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी जब आ जाएगी तो या तो डिस्क्रीट सीरीज होगी या कंटिन्यूस सीरीज होगी, और इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती क्योंकि सबको इंडिविजुअली तौर पर हम डिनोट करते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर समझाया। जो भी मार्क्स जितनी बार गया हम उसको उतनी बार ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मार्क्स जितनी बार आया हम उसकी संख्या लिखते हैं, यानी कि चार को हम चार बार में लिख करके लिख देंगे, कितनी बार आया चार बार आया। छः को छः बार नहीं लिख करके हमने लिखा कि साहब तीन बार आया था, तो हमें ये पता लगता है कि डिस्क्रीट सीरीज में भी उसी तरह से एक फॉर्मूला बनता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और इस तरह से हम इसको डायरेक्ट मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं।